सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, वो भी बीजेपी के साथ लाता, मतलब बीजेपी के साथ होकर उन्हीं लोग का काम कर, तो सब लोगों से हम लोग लड़ रहे। तो आप बस इतना ही प्यार, भरोसा, विश्वास जताइए, अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद दीजिए, चाहे कोई बड़ी से बड़ी ताकत आएगी, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, डिग्री मिल जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती। और समाज में अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो बेरोजगारी है। और परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी अगर नौकरी मिलती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, सुखी रहता है, किसी बात की चिंता नहीं रहती है। लेकिन अगर बेटा पढ़ लिया लिख लिया, या बेटी पढ़ लिए लिख ली है, नौकरी नहीं है, तो इससे लोगों को घर में चिंता रहती है कि भाई घर कैसे चलेगा, आगे पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, क्या सिक्योरिटी है। इसलिए 2020 में हम लोगों का ऐलान था कि बिहार सरकार में जितने रिक्त पद हैं उसको हम लोग भरेंगे। और हमने ये प्रण लिया था कि एक मौका अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे। लेकिन हम लोग तो सरकार बना लिए थे 20 में, लेकिन बेमानी से 10-12 सीट इधर उधर करके हम लोग 114-15 पे आए। 122 बहुमत चाहिए था, केवल 7 सीट ही हम लोग दूर रहे बेमानी, केवल बेमानी किया गया। लेकिन फिर भी हम लोग विपक्ष में आने के लिए तैयार रहे। लेकिन जब इन दिनों जब मौका मिला 17 महीने में काम करने का उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तो हमारा जो नौकरी का एजेंडा था उसको हमने लागू कराया। इस 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलाया। और आज तक देश में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में बहाली नहीं निकली, नौकरी नहीं मिली, जहां बिहार सरकार में, महागठबंधन की सरकार में 17 महीनों में मिला। एक एक विभाग में 2-2 लाख से ज्यादा नौकरी। और अभी स्वास्थ्य विभाग का तो फाइल कर दिए थे 1,30,000 उसमें, लेकिन ये लोग निकाल नहीं रहे। फाइल किया हुआ है, पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया हुआ है, लेकिन अभी ये लोग नहीं निकाल रहा। लेकिन निकाले ना निकाले, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं। ये काम, नौकरी कोई नहीं रोक सकता जो हम लोग काम करके आए। ये अधिकार हम लोग लड़ करके आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। इसी मंच के माध्यम से आप लोगों ने बुलाया था, तो मांग थी कि भाई विकास मित्र हो, इन लोगों का कुछ कर दीजिए, कल्याण हो जाए। अभी श्री चंद्र राम जी बता रहे थे, चाहे तालमी मरकज हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, इनके जो है 25,000 जो है हम लोगों ने किया। तो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी लोगों को मिला। और यही नहीं, बल्कि आशा दीदी का तो हम 2,500 कर दिए 1,000 से, वो अभी भी फाइल रोका हुआ जब स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इनके मन में मंशा थी कि भाई भाजपा में भागना है, इसलिए ये लोग कैबिनेट नहीं लाने देते थे। अब शिक्षा मंत्री जी हैं यहाँ, ये तो समय नहीं है, पहले ही बोल करके सब लोगों को बता देना चाहिए क्या क्या हम लोग काम किए, कैसे लोग हम लोगों को नहीं करने देता था। लेकिन फिर भी हम लोगों की ताकत थी तो हम लोगों ने कराया ये सारा काम जो है हम लोगों ने किया। ममता हो, आशा हो, सब गरीब परिवार के, समाज के अंतिम प्रधान की महिलाएं हैं, इनको उनका हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। इसको लेकर के हमने भारत के भी स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी अगर ट्विटर पे देखिएगा, फेसबुक पे देखिएगा, तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये फैसिलिटर्स है और भारत सरकार का स्कीम आता है। लेकिन फिर भी हम 2,500 कर दिए। और हमने ये मांग की है कि भाई आशा वर्कर लोगों को आप जो है कुछ कीजिए, आर्थिक रूप से और मदद कीजिए, ये चिट्ठी मिलेगा। लेकिन भारत सरकार ने ना कोई सुनने वाला है,
ना कोई देखने वाला है। वहां गरीबों को नहीं देखा जाता, वहां केवल पूंजीपति को देखा जाता है, केवल पूंजीपतियों। मोदी जी के राज में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कहां कोई सुनवाई हो रहा है, कहां कोई कार्रवाई हो रहा है गरीब को लेके? किसान जो है वो मर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है कि उनसे मिल सके। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, कितना लाभ हुआ? जाति आधारित गणना से ये पता चला कि भाई कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग नाला साफ करता है, कौन लोग ठेला धोता है, कौन लोग भूमिहीन है, किसको पक्का मकान नहीं है, किसके घर में नौकरी नहीं है, ये सारा बना। और हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था कि ये आंकड़ा हमारे पास आ गया है, इतने गरीब हैं, इन सब के लिए हम लोगों ने इतने बेरोजगार हैं, कौन जाति में कौन गरीब है, ये सारा निकल गया। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिस परिवार में नौकरी नहीं है उसको परिवार को 2 लाख रुपए हम लोग देंगे पूरे बिहार में। जिसको अपना जमीन नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे ताकि अपना जमीन खरीद सके। घर बनाने के लिए अगर पैसा नहीं है तो 1,20,000 रुपया देंगे ताकि वो अपना मकान जो है कम से कम पक्का का बना ले। इस काम में हम लोग लगे हुए थे, लेकिन चाचा जी पलट गए। अब क्या पलटे नहीं पलटे, जहां रहे खुश रहे, हम लोग क्या बुजुर्ग हो गए, अब क्या हम कोसेंगे? अच्छा थोड़ी लगता है इस उम्र का आदमी बुजुर्ग आदमी को कोसेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। हम काहे कोसेंगे, जनता अपना हिसाब किताब करेगी, ये तो आप ही लोगों को ना हिसाब किताब करना है। पर हमको तो उनके प्रति ज्यादा कुछ हमको कहना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आरक्षण की भी सीमा बढ़ाई, क्योंकि जब आंकड़ा सामने आया जाति आधारित गणना के बाद तो उसमें आप लोगों का भी आंकड़ा जो है वो बढ़ा, दलितों का महादलितों का भी बढ़ा, आदिवासियों का भी बढ़ा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाने का काम किया, और सब काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं और आपकी मांग को लेकर के हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन आप सब लोगों को भी गोलबंद होने की जरूरत है, आप सब लोगों को भी एक रहने की जरूरत है। एक रहिएगा तभी लड़ाई जीतिएगा, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग मुख्य धारा में आए, आप लोग आगे बढ़े। और अभी जो आयोग बना था महादलित आयोग, उसमें भी हमने अध्यक्ष बनाया राजेंद्र राम जी को, इनको मौका मिला। अनुसूचित जनजाति के आयोग में इनको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया। तो ऐसा नहीं है, समाज में हम लोगों ने आप लोगों को ध्यान रखा है और ध्यान आगे देते रहेंगे। आप लोगों का सम्मान बढ़े इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखें। तो ज्यादा कुछ हम ना कहते हुए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और कई हमारे विधायक हैं यहाँ, कई हमारे पूर्व विधायक हैं, कई नेता लोग हैं जिनको बोलना था बोल नहीं पाए, सारा समय हमको दिया है, इसके लिए भी उन सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। अब सब लोगों कहीं भी होता कोई कार्यक्रम होता है, हम अपने लोगों को यही बोलते हैं जाओ गरीबों के बीच जाओ, जाओ दलितों में जाओ, जाओ अति पिछड़ों में जाओ, जाओ आदिवासियों में जाओ, उनके दुख सुख का भागीदार बनो, उनको जोड़ो, उनको आगे बढ़ाओ। कोई कार्यक्रम होता है या रैली होती है, रैला होता है, जनसभा होती है, या हम पूरा बिहार 3500 किलोमीटर रोड से घूमे 10 दिनों के अंदर, उसमें भी यही हम लोगों ने संदेश दिया है कि आप लोगों को आगे बढ़ाना है, आप लोगों को जोड़ना है, यही काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो यही काम में अब हम सब लोग जो है लगे, और बड़ी ताकतों से हम लोगों को लड़ना है। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उनके अलायंस पार्टनर हैं, गठबंधन के लोग हैं। आप देखिएगा भारत सरकार तो है, बिहार सरकार भी है, उनके अधिकारी, इधर के अधिकारी,
एक बीजेपी मानसिकता के मीडिया अलग है, पूंजीपति अलग है, सब आपके खिलाफ है। एक हम ही लोग हैं जो एक दूसरे का सहारा है। अगर हम लोग मजबूत रहेंगे तो सभी बड़ी से बड़ी ताकतों को हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भी है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वो भी बीजेपी के साथ लड़ता है, मतलब बीजेपी के साथ होकर उन्हीं लोगों का काम को, तो सब लोगों से हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप बस इतना ही प्यार, भरोसा, विश्वास जताइए, अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद दीजिए, चाहे कोई बड़ी से बड़ी ताकत आएगी, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे।